नमस्कार, मैं हूँ प्राची सोनी और आप देख रहे हैं एमजी टीवी। जहाँ चाह वहाँ रहा, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए धमतरी का युवा रजत जसूजा नित नए सोपान गढ़ते जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से सीधे संपर्क रखने वाला रजत जसूजा ने केवल छात्र राजनीति में नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी ढेर सारे काम बिना पब्लिसिटी के किया। शनिवार की रात एक और उपलब्धि रजत जसूजा के साथ जुड़ गई, जिसकी खबर मिलते ही कांग्रेस और एनएसयूआई के सदस्य रजत जसूजा का स्वागत करने मकई चौक में पहुंच गए। आपको बता दें कि रजत जसूजा को इस बार उनके अच्छे और युवाओं को प्रेरित करने वाले कार्यों के बिना पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ विभाग कांग्रेस के विशेष सलाहकार अधिकारी बनाया गया है। माना जा रहा है कि उनकी सलाह से अल्पसंख्यक समाज को बेहद राहत मिलेगी और उनके अधिकारों को उनकी पहुंच तक लाने में रजत जसूजा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सोच है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, और मुझे अल्पसंख्यक विभाग में OSD बनाया गया है इसे, और NSUI के कार्यकर्ता और विभिन्न लोग और समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ इन लोगों का। मुझे OSD बनाया गया है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, और आदरणीय श्री नदीम जावेद जी उनके चेयरमैन हैं। मुझे ये मतलब ये बात लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे लोग एक साथ एकत्रित होकर यहाँ पे आए हैं, कि तो मैं एक बात एक शेर में अपनी बात कहता हूँ, खत्म करता हूँ, कि आओ करें संकल्प कि हम साथ चलेंगे, आओ करें संकल्प कि हम साथ चलेंगे, हम एक थे एक है और एक रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जैसे कि राहुल गांधी जी ने हमारे धमतरी के रजत जसूजा जी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय विशेष अधिकारी बनाया, वहाँ ऑफिस का अधिकारी बनाया, उसके लिए उनका अभी जो धमतरी आगमन हुआ उसमें स्वागत किया गया। यहाँ हमारे पूरे NSUI के कार्यकर्ता शामिल हुए, स्कूल यूनिट और NSUI विधानसभा की पूरी टीम शामिल हुई।